हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आए होप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए और एक यूनिक नेम और इनवैलिड नेम, जो भी आप लोग बोल सको, ठीक है। तो देखो, ये अपना है यूनिक नेम, ये है स्नाइपर सिंबल, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से कॉपी कर लेना। और अगर आप लोगों को कॉपी करना नहीं आता तो प्राइवेट शो हो रहा होगा, तो वहाँ जाके वो वीडियो देख लो कि कॉपी कैसे करते हैं, ठीक है। देन आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को एक आईडी ले लेनी है जो आपकी आईडी अपडेट नेम पे हो, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों को क्या कर लेना है, या तो आप लोग क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो दो टैब ओपन करके, या कोई भी ब्राउज़र चलेगा, या फिर आप लोग फ्लोटिंग ऐप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सिंपली फ्लोटिंग ऐप यूज़ करता हूँ, तो मैं यही कर लूँगा। तो आप लोगों को सिंपली फ्लोटिंग ऐप ओपन कर लेनी है, ठीक है। ब्राउज़र में कर रहे हो तो एक टैब में अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है, ठीक है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोग कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल डाल देता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे ईमेल फिल कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल लेता हूँ अपना, अब मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है। लॉगिन करने के बाद देखो, ये आईडी मेरे अपडेट नेम पे है ना, तो क्या कर लेना है, सिंपली इसको डोंट अपडेट करना अपने को, ठीक है। डोंट अपडेट करने के बाद आगे बढ़े करना है, कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो यहाँ से अपने को फाइल चूज़ कर लेनी है जो भी आपके पास प्रूफ हो। और लाइक मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग प्रो भी यूज़ करो, क्योंकि जो स्क्रीनशॉट से आईडी बनती है ना, वो एक दो दिन बाद में लाइक कन्फर्म आइडेंटिटी पर जाके और प्रूफ अपलोड करने का लाइक वो मसला हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग प्रूफ से बनाओगे तो कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वैसे आज का टॉपिक नहीं था, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो आप लोग जब भी आईडी बनाओ ना, इसी से बनाया करो। तो आप लोगों को फर्स्ट में यहाँ पर स्नाइपर सिंबल डाल देना है, और लास्ट वाले में यूनिक नेम डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को फ्लोटिंग ऐप फिर से ओपन कर लेनी है, और फेसबुक लाइट एक और ओपन कर लेना है, ठीक है। और ब्राउजर में कर रहे हो तो एक और टैब ओपन कर लेनी है। इतना करने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ भी वही आईडी लॉगिन कर लेनी है, तो मैं कर लेता हूँ। देन मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। इतना करने के बाद आप लोगों को यहाँ भी अपडेट ना करें, डोंट अपडेट करना है। देन आगे बढ़ें, उसके बाद ही उस फाइल पर वही प्रूफ सेलेक्ट कर लेना आप लोगों को। मैंने कर लिया है, ठीक है। अभी आप लोगों को क्या करना है, देखो आपका प्रूफ का जो भी नाम है ना, तो फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम डाल देना है, और लास्ट नेम में लास्ट नेम डाल देना है, ठीक है। तो मेरे में मिडल नेम भी है, तो मैं वो भी डाल लेता हूँ, और लास्ट में लास्ट वाला डाल लेता हूँ, ठीक है। और उसके आगे आईडी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोगों को सिंपली इन दोनों का सबमिट बटन सामने लाना है। इतना लाने के बाद आप लोगों को दोनों टैब्स एक साथ सेंड करनी है, ठीक है। तो जैसे मैं कर दे रहा हूँ, तो आप लोगों को भी ऐसे ही कर देनी है, ठीक है। तो देखते हैं दोनों साथ में सेंड होती है कि नहीं, लेकिन आप लोगों को ऐसा ही कर लेना है, ठीक है, जहाँ तक सेंड नहीं होती। तो देखो, ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, तो लेकिन करना ऐसा ही है, ठीक है। तो आप लोग सेम प्रोसेस से करते रहना, तो मेरी एक टैब ओपन सेंड नहीं हुई है, तो आप लोगों को सिंपली ऐसा ही कर लेना है ना। तो मैं ये वीडियो तब स्टार्ट करूँगा जब मेरी आईडी बन जाएगी, ठीक है। तो देखो, इससे कोई मसला नहीं होता है कि ये वाला सेंड नहीं हुआ, ये वाला हो गया है, ठीक है। तो ये वाला नाम एक्सेप्ट हो जाएगा ना, लेकिन आईडी तभी बनेगी तो जब दोनों नाम 4 से 5 बार एक साथ सेंड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें तो मसला आ गया है, कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक कर लूँगा, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपली ये ध्यान रखना है कि दोनों टैब आपकी एक साथ सेंड हो, है ना। तो जब भी आईडी बन जाएगी तब मैं आप लोग को बता देता हूँ, तब मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए ऐड कर लेता हूँ, मैं वीडियो पोस्ट कर लेता हूँ, और जब मेरी आईडी बन जाएगी सेम इसी प्रोसेस से, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगा, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी आईडी बन चुकी है, तो मैं वो आईडी आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे वो आईडी लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ईमेल चेक कर लो एक बार, ये वही ईमेल है ना, ठीक है। तो मैं पासवर्ड भी यहाँ फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको सिंपली लॉगिन करता हूँ, तो ये कन्फर्म आइडेंटिटी मांगेगा, ये ऑफिशियल में ओपन किया है ना, ब्राउजर में करते तो डायरेक्ट ओपन हो जाता। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये अपना नाम बन चुका है, तो मैं सिंपली इसको अपडेट नेम कर दूंगा। तो यहाँ से अपडेट नेम कर देना, अपडेट नेम के बाद गो टू न्यूज़ फीड कर देना। तो सिंपली मैं यहाँ से इसको फेसबुक पर कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपल से लॉगिन हो जाएगा, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप लोगों की आईडी बन जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ, और सिंपल सा मैं इसको ओपन करूँगा, ठीक है। यहाँ से स्किप कर देता हूँ, ये भी स्किप, और ये भी स्किप कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को आईडी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये सिंपल सा ऐसा कुछ ऐसा दिखेगा,
तो यहाँ पूरा नाम शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा नाम शो होगा और फेसबुक लाइट में भी पूरा नाम शो होगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे सिंपल सा मैं इसको इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसका लिंक कॉपी करके मैं फेसबुक लाइट में इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे वो लिंक पोस्ट कर देता हूँ। तो नेट थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये पोस्ट हो गया, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये कुछ इस तरीके की अपनी आईडी दिखने वाली है। तो आप लोग भी ऐसी आईडी बना सकते हो जो ट्रिक मैंने बताई है उसको फॉलो करके, और आपकी आईडी बिल्कुल बन जाएगी, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।